ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। हमारे सभी प्रिय दर्शकों को वेद पंडित का नमस्कार। हमारे चैनल चमकती किस्मत में आपका स्वागत है। हम अपनी हर वीडियो में ज्ञानवर्धक जानकारियां और उपाय बताते हैं, जिससे आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपने जीवन में अपनाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति हमेशा सुखी रहे और अपने परिवार के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके। हम माँ गर्जिया देवी से आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए हर रोज प्रार्थना करते हैं। आज हम आपको ऐसा सरल उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपके घर और व्यापार स्थल का वास्तु बिना किसी भी चेंज के ही स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आपको हमेशा मानसिक पीड़ा रहेगी और घर में हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और आपका स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। घर में बीमारी हमेशा बनी रहेगी और अनावश्यक ही खर्च होता रहेगा और व्यापार में हानि होगी या उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। नौकरी में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपके जीवन में आ रही ये सारी परेशानियां दूर होंगी और नौकरी और व्यापार में आपको बहुत सफलता मिलने लगेगी और घर का वातावरण खुशनुमा बन जाएगा और आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। कम मेहनत में ही अधिक लाभ मिलने लगेगा। हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए और पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। आपको एक असली पांचजन्य संख लेना है। ये संघ बहुत ही प्रभावशाली होता है। महाभारत में भी श्री कृष्ण भगवान ने ये संघ बजाया था। इसका उल्लेख आपको भगवत गीता में मिल जाएगा। पांच जन्य संघ में पांच तत्व होते हैं और ये पांच तत्व अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी है। इस संघ की स्थापना अगर आप अपने घर में या व्यवसाय स्थल में कर लेते हैं तो बिना किसी भी तोड़ फोड़ के या बिना किसी भी स्थान परिवर्तन के वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। वास्तु दोष दूर करने के लिए आप पांचजन्य संघ को अपने घर में स्थापित करें। ये बहुत ही प्रभावशाली है और विजय प्राप्ति के लिए अगर आप ये संघ बजाते हैं तो आपको अवश्य विजय प्राप्त होती है। अगर आप कैसी ऐसी जगह रह रहे हैं या आपका किराए का मकान है जहां आप किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते तो ये संघ आप अपने घर में जरूर रखें। इस संघ को घर या व्यवसाय स्थल में स्थापित करने से धन लाभ होता है, यश की प्राप्ति होती है और आपको हर मनोकामनाएं ये संघ पूर्ण करता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से आकर निवास करने लगती हैं और जहाँ माँ लक्ष्मी वास करती हैं उस घर में रहने वाले व्यक्ति को कभी भी कोई परेशानी नहीं होती और धन अपने आप ही तेजी से आने लगता है और व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलने लगती है और वह हर कार्य में उच्च कोटि की सफलता अर्जित करता है और उसको काफ़ी मान सम्मान मिलने लगता है। इस प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल चमकते किस्मत देखते रहिए। जय माता दी। धन्यवाद।